स्पाइन फ्रैक्चर ट्रीटमेंट दो आधार पर डिवाइड की जाती है। पहला, वेदर द स्पाइन इज स्टेबल और अनस्टेबल। अगर आपका स्पाइन अनस्टेबल है तो उसको सर्जिकल फिक्सेशन करना जरूरी है, और सर्जिकल फिक्सेशन के बाद रेगुलर एक्सरसाइजेस करके आपका बोन्स और मसल्स को मजबूती रखना जरूरी है और पेशेंट एक अच्छी नॉर्मल जिंदगी जीते है। अगर आपका पेशेंट स्टेबल है, फ्रैक्चर स्टेबल है, तो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। आपको इनिशियल 2 से 3 हफ्ता रेस्ट लेना है, और जब पेन कम हो जाता है फिर धीरे धीरे एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कर वो जो दबा हुआ बोन है उसको ओपन अप करना होता है, हेल्दी डाइट लेना होता है, सनलाइट एक्सपोजर लेना होता है, और 3 महीने में कोई भी स्पाइनल फ्रैक्चर हील हो जाता है। बट एक्सरसाइजेस ना छोड़े, एक्सरसाइजेस करते रहे। थैंक यू वेरी मच।